एडिना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी कॉलेज में प्रवेश प्रारंभ। हमारा पता है NH86 बमोरी सीड फार्म, भोपाल रोड, सागर। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश थमी हुई है। दमोह में भी बारिश रोकने के बाद तेज धूप लोगों की मुसीबत का सबब बनी हुई है। बीते कुछ दिनों पहले जमकर बारिश हुई थी, जिससे शहर पानी पानी हो गया था। लेकिन हफ्ते भर से आसमान साफ होने के बाद लोग गर्मी से खासी परेशान हैं। शहर की सड़कों पर निकलने वाले लोग गर्मी से बचने के इंतजाम लेकर निकल रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। उमस और गर्मी ने लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालना शुरू कर दिया है। जिले के स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं सरकारी दवाखानों में हालातों को देखते हुए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मौसम के बदलते मिजाज के मद्देनजर एडवाइजरी भी जारी की है, ताकि लोग सतर्क रहें। बात अगर करें बारिश की, तो दमोह जिले में अब तक 308 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल 18 जुलाई तक ये आंकड़ा 368 मिलीमीटर था। मतलब बीते साल के मुकाबले अब तक 60 मिलीमीटर बारिश कम दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी में दबाव न बनने की वजह से आसमान साफ है और आने वाले 4-5 दिन और बारिश की उम्मीद नहीं है। बहुत ज्यादा बढ़ रही है गर्मी से, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पानी का मौसम है, लेकिन लग ही नहीं रहा है कि पानी का मौसम, बरसात हो ही नहीं रही है, इतनी गर्मी हो रही है। देखिए पानी अगस्त आने कुछ है और जुलाई में कोई पानी की बूंद ही नहीं है, पसीना पसीना हो रहा है, लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, परेशान है सब। जब से बरसात बंद हुई है तब से फिर आइसक्रीम मतलब चलने लगी है। थोड़ी गर्मी थोड़ी तेज है, ठीक है। पहले गर्मी पहले ही जैसी हो गई है। अब गर्मी जानलेवा गर्मी पड़ रही है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, चिपचिपी गर्मी है जिसको बोलते हैं। अभी पहले जो पानी गिरा वो लगातार गिरा, उससे सड़कों पे गड्ढे, कीचड़, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई। उसके बाद एकदम से सूखा पड़ गया, तो लोग बहुत परेशान हैं, बीमारियाँ हो रही हैं, एपिडेमिक्स हो रहे हैं और काफ़ी परेशानियाँ लोगों को हो रही हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ दमोह में और क्षेत्रों में भी सब जगह भ्रमण करते हैं तो देखते हैं, तो ज़्यादातर बहुत गर्मी हो रही है। अभी बीच में तो माहौल फिर भी ठीक हो गया था, पर अब फिर से परेशानी आने लगी है। और जैसा जितने दिन पानी गिरा था, मतलब इतने दिन तो ठीक रहा, पर अब परेशानी फिर से बढ़ गई। पिछले सप्ताह में काफ़ी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई थी दमोह ज़िले में, और वर्तमान में लगभग एक सप्ताह से कोई बारिश नहीं हुई है। क्योंकि अपने यहाँ जो बारिश होती दमोह ज़िले में, ये बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने से होती है, और इस समय पे कोई भी सिस्टम एक्टिव नहीं है। 3 या 4 दिन के बाद अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। दमोह से शांतनु भारत, सागर टीवी न्यूज। एडिना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी कॉलेज में प्रवेश प्रारंभ। संचालित कोर्स इंजीनियरिंग में सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच उपलब्ध। बी फार्मा, एम फार्मा, एम टेक, सागर शहर की सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर लैब, जिसमें 750 कंप्यूटर की सुविधा, हॉस्टल सुविधा, मेडिकल सुविधा, शहर के कोने कोने से बस सुविधा उपलब्ध है। सेमिनार एंड वर्कशॉप, लाइव प्रोजेक्ट, 100% प्लेसमेंट। हमारा पता है NH86 बमोरी सीड फार्म, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000414191।